मान लो 24 गुणा 26, ये मल्टीप्लाई अगले पैटर्न के, इसमें एक शर्त है कि स्टार्टिंग में दो सेम रहना चाहिए, आखिरी के जो डिजिट हैं उन दो का डिजिट का सम 10 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों संख्या सेम लिखी हुई है, यहाँ पर मैं 40 गुणा 4 7 3 43, यानी लास्ट में 10 होना चाहिए और शुरू में कैसा होना चाहिए, तो कैसे गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और दो के बाद आता 3 3 दूनी 6 7 चौक, ये लास्ट में 7 21 और 4 के बाद 5 5 चौक 20। करना क्या है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है और जो पहले नंबर लिखा है उसके एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, आपकी मल्टीप्लाई का आपका आंसर हो जाए।